जय माता दी साथियों, जय बजरंगबली। साथियों, कुंभ राशि फल 2023 का उद्देश्य आपको आने वाले नए साल जनवरी से दिसंबर 2023 के बदलावों से अवगत कराना है। इसमें आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र की भविष्यवाणी के साथ साथ ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से बचने के अचूक ज्योतिष उपाय भी आपको बताऊंगा, ताकि आप आगामी वर्ष को सुखद बना सकें और आपका आगामी वर्ष 2023 आपके लिए शुभ हो। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। नया साल आपके जीवन में आपकी मनोकामना पूरी करे। माता रानी आपको आपके हर एक सपने को पूरा करने में आपकी मदद करे। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, जानते हैं कि नव वर्ष आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के बदलाव लेकर आने वाला है। वर्ष 2023 में कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और समय रहते कौन से ऐसे उपाय जो आपको करने चाहिए, जिससे कि आपको चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में वर्ष 2023 अच्छे परिणाम दे सके, आप उन चुनौतियों का सामना कर सके, यह सब बताने के लिए ही कुंभ राशि फल को मैं आपको बता रहा हूं। इस राशि फल के अंतर्गत आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप जानना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको अपने करियर की चिंता है, आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो दोनों से संबंधित जानकारी इस राशि फल में प्रदान की जा रही है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपका प्रेम जीवन कैसा चलेगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के शुभ अशुभ परिणाम आपके सम्मुख आएंगे, यह सब कुछ आपको इस कुंभ राशि फल 2023 में जानने को सुनने को मिल रहा है। ध्यानपूर्वक सुने। आपकी संतान इस वर्ष कैसा अनुभव करेगी, या आप संतान के प्रति इच्छुक हैं तो क्या इस वर्ष आपकी मुराद पूरी होगी। आपके पारिवारिक जीवन में क्या क्या होने वाला है, आपका स्वास्थ्य किस करवट बैठेगा और क्या वर्ष 2023 में आप तंदुरुस्त रह पाएंगे, किसी बीमारी का शिकार होंगे, या सभी जानकारी आपको इस राशिफल में प्राप्त हो सकती है। यदि आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो क्या इस वर्ष आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। आपका वित्तीय जीवन किस तरीके से आगे बढ़ेगा और आपको धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी, यह सब कुछ भी इसमें आपको बताऊंगा। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए जानना आवश्यक है कि 2023 में आपके लिए कौन सा समय अनुकूल है और कौन सा प्रतिकूल रहने वाला है, ताकि आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से विधिवत तरीके से कर सकें। इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी इस राशिफल में मैं प्रदान करूंगा। आइए साथियों, राशिफल थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आपको इस राशिफल को विस्तार पूर्वक और थोड़ा सा तेजी में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल सके और आप लोग इसमें ध्यानपूर्वक सुन सकें और समझ सकें। शनिदेव वर्ष के शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और पूरे वर्ष आपकी ही राशि में बने रहेंगे। इस वर्ष शनि महाराज 30 जनवरी को अस्त हो जाएंगे और फिर 6 मार्च को उनका उदय होगा। इसके अतिरिक्त शनि महाराज 17 जून 2023 को अपनी बकरी चाल कुंभ राशि में शुरू करेंगे और 4 नवंबर 2023 तक इसी अवस्था में रहकर फिर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार शनि का पूर्ण प्रभाव आपकी राशि पर, आपके तृतीय भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और आपके दशम भाव पर रहेगा। आपके भाई बहन, आपके प्रयास करने की गति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और आपकी नौकरी वर्ष 2023 के दौरान पूर्ण रूप से शनि के प्रभाव में है। साथियों, आइए आगे मैं आपको बताता हूँ। जनवरी माह से आपके लिए 2023 जनवरी महीना शारीरिक तौर पर कुछ कमजोर रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी रहने से थोड़ा सा मानसिक तनाव होगा। काम को लेकर आप काफी दबाव महसूस करेंगे और धन की स्थिति सुधारने पर आपका पूरा फोकस रहेगा। घर परिवार में शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। फरवरी के महीने में दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा, या आपके प्रेम संबंधों में प्रागाढ़ता आएगी। आप खुद रोमांटिक महसूस करेंगे और अपनी रोमानियत से अपने प्रियतम को भी खुश रखेंगे। उनके साथ कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। इस दौरान यदि आप विवाहित हैं, तो दाम्पत्य जीवन में
खुशी भरे पल की आहट होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे और व्यापार में अच्छी उन्नति के योग भी बन रहे हैं। साथियों, मार्च का महीना प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव लेकर आ सकता है, लेकिन आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी प्रदान करेगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होगी, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। इस दौरान लंबे समय से चले आ रहे खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। संतान को लेकर थोड़ा चिंता रहेगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि 2023 के अनुसार वर्ष 2023 कुंभ राशि के जातकों के जीवन में अप्रैल का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने की संभावना है। सूर्यदेव गोचर तीसरे भाव में मेष राशि में होगा, यह उच्च के हो जाएंगे, लेकिन साथ में राहु होने के कारण सूर्य राहु ग्रहण दोष बनेगा और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी इस महीने 22 तारीख को इसी भाव में होने के कारण भाई बहनों से तनाव, टकराव और उनके स्वास्थ्य समस्याएं आएगी। आपके प्रयासों में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन आप हद से ज्यादा जोखिम उठाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और व्यापार में परेशानी आ सकती है। कुंभ राशि फल 2023 के अनुसार मई के महीने में आप विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट या कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिल सकती है। आपको अपनी नौकरी में उत्तम परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपने कुछ विरोधियों के बारे में सतर्कता से सोचना अवश्य होगा। इस दौरान किसी भी तरह का कर्ज लेने से बचें। जून के महीने में विवाहेतर संबंधों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके खर्चों में आशातीत बढ़ोतरी कर सकती है और आपको परेशान कर सकती है। नौकरी में किसी महिला सहकर्मी से दुर्व्यवहार करना आपकी नौकरी जाने का कारण भी बन सकता है, इसलिए बेहद सावधानी से इस महीने को निकल जाने देंगे तो बेहतर होगा। जुलाई के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी के व्यवहार में हो रहे बदलाव और उनके उग्र स्वभाव को देखकर आप थोड़े से परेशान होंगे। इस दौरान व्यापार में भी समस्या आ सकती है और आपके व्यावसायिक साझेदारी से आपके संबंधों में खटास के योग बन रहे हैं। इस बारे में सावधानी रखें और इसी महीने को धैर्य के साथ बिताएं। अगस्त का महीना निजी संबंधों में प्रागाढ़ता लेकर आएगा। जीवन साथी से भी नजदीकियां बढ़ेगी और पिछले चले आ रहे तनाव में कमी होगी। आपके रिश्ते में रोमांस के भी योग बन रहे हैं। व्यापार में चल रही समस्याओं को दूर करने में आप काफी हद तक सफल होंगे। सितंबर का महीना आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक देने वाला है। महीना अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो इस दौरान आपके जीवन में प्यार की आहट हो सकती है। जो अविवाहित हैं उनके रिश्ते बन सकते हैं। आर्थिक रूप से इस दौरान कुछ कमजोरी महसूस होगी, धन हानि की भी संभावना बन रही है। अक्टूबर का महीना समस्याओं में कमी लेकर आएगा। लंबी यात्रा करने के योग बनेंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और कुछ व्यवसाय की यात्राओं पर भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय में महत्वपूर्ण मुनाफे के सौदे प्राप्त हो सकते हैं। कुछ नए लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पिताजी के स्वास्थ्य को कष्ट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें, सेवा करें। कुंभ राशि फल 2023 के अनुसार नवंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और रिश्ते में चल रहे तनाव में कमी होगी। आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी। आप अत्यंत जोखिम लेने की प्रवृत्ति से बाहर निकलेंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करना होगा। धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। भाई बहनों को भी स्वास्थ्य लाभ होगा। दिसंबर का महीना आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ाने की सोचने से संबंधित तैयारी को अग्रणी स्थान देगा। आपकी आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होगी और एक से ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन आय होगा, धन की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध भी इस दौरान थोड़ी सी परेशानियों के बाद अच्छे परिणाम देंगे और आप अपने प्रियतम और निकट आ जाएंगे। साथ में कहीं लंबी दूरी पर घूमने जाने के योग भी बनेंगे। पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा और आपकी समृद्धि बढ़ेगी तथा स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। इससे आगे जानते हैं साथियों, करियर से संबंधित आपका इससे आपको करियर से संबंधित नौकरी में बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी और आप अपने काम में मजबूती से जमे रहेंगे। यही बात आपकी गतिविधियों को नागवार गुजरेगी। मार्च से अप्रैल के बीच आप नौकरी बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। यदि पहले से कोई कोशिश की है तो इस दौरान आप नौकरी बदल पाएंगे। मई से अगस्त के बीच आपके विरोधी प्रबल रहेंगे। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में सहज समय का सामना कर सकते हैं। आगे जानते हैं साथियों, शनि शांति यानी कुंभ राशि का जो स्वामी ग्रह शनि ग्रह है
और उसकी शांति के लिए यदि आपके ग्रह कुंडली में शुभ हैं तो आप जो है शनि चालीसा का पाठ करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपके काम भी बनेंगे। यदि कुंडली में ग्रह कष्टी है तो उसके लिए क्या करें, आइए जानते हैं। शनि ग्रह किसी जातक की जन्म कुंडली में 1, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9 या 10 भाव में हो, 12वें स्थान में हो, अथवा शत्रु या नीच मेष राशिगत हो, अथवा सूर्य मंगल क्रूर ग्रहों युक्त या दृष्ट हो तो शनि अशुभ फलदायक होता है। अशुभ एवं अरिष्ट कारक शनि धन एवं आय के साधनों में कमी कर सकता है। शरीर कष्ट, मानसिक तनाव, बनते कामों में बार बार अड़चने पैदा होती है जिसका कुंडली में शनि कष्टी होता है। शनिकृत अरिष्ट निवारण हेतु आप निम्नलिखित जो मैं बता रहा हूँ उसमें से कोई एक उपाय 23,000 की संख्या में जाप करें। इसमें तांत्रोक्त शनि का मंत्र है साथियों, ओम प्रांग त्रींग प्रोंग स सन्नये नमः, और तांत्रोक्त शनि का मंत्र है ओम संग शनिश्चराय नमः। वेदोक्त मंत्र है साथियों, सन्नो देव्र विष्टया आपो भवन्तु पीतये संज्योर विश्रवंतुनाः, और शनि गायत्री मंत्र है सूर्य सुताय विद्महे यमरूपाय धीमहे तन्नः सौरी प्रचोदयात, और पुराणोक्त शनि मंत्र है ओम ह्रीं नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। विधिपूर्वक मंत्र जाप करना है और शनि संबंधी वस्तुओं का दान करना है, अथवा पंच धातु या अष्ट धातु में नीलम धारण कर सकते हैं। यदि कुंडली में शनि अष्टम, द्वादश और षष्ठ स्थान में नहीं है तो अन्य ग्रहों में है या अन्य ग्रहों के साथ है या अन्य भाव में है तो धारण कर सकते हैं। शनिवार का व्रत रखना, विधिवत शनि निर्मित शनि यंत्र, लोहे की कटोरी में तेल डालकर छाया पात्र का दान करना, औषधि स्नान और गरीबों में खिचड़ी बांटना, गरीबों को खिचड़ी खिलाना, मछलियों को दाना देना, आटे की गोलियां बना करके दें, और शिव स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना। शनि के दान योग्य वस्तुएं हैं साथियों, उड़द, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, काली गाय, काला वस्त्र और लोहे का बर्तन या लोहे से निर्मित कोई भी चीज, कुल्थी की दाल या कस्तूरी, नीलम, नारियल, काले एवं नीले पुष्प, गरीब वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराना शुभ होता है। शनि का दान सायंकाल को करना या सूर्य उदय से पहले करना शुभ माना जाता है। अपने से तिसुता तागा नाप करके पीपल के पेड़ पर बांधना और शनि की मूर्ति पर पुष्प से तेल टच करना। इसके साथ साथ ही उपाय है साथियों, शनि शुभ होता हुआ भी शुभ फल प्रकट न कर रहा हो तो आप जो है इस तरीके के उपाय करें। नंबर एक, घर में नीले रंग के पर्दे तथा नीले रंग की चादरों का प्रयोग करना और स्वयं भी बहुधा नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना शुभ होगा। जब कुंडली में शनि नीच या अरिष्ट कारक प्रकट कर रहा हो तो निम्न उपाय करें, स्टील या लोहे की कटोरी में तेल छाया पात्र का दान करें, 5 शनिवार तक आग के पौधों पर अथवा शनि मंदिर में डालना शुभ होगा, 5वें शनिवार को तेल चढ़ाने के बाद तेल वाली कटोरी को वहीं चढ़ा देना, तेल चढ़ाते समय शनि बीज मंत्र का जाप करना। और इसके साथ साथ में है साथियों, आपके लिए जो शुभ भाग्यांक हैं वो हैं 1, 2, 6 और 7। शुभ रत्न है साथियों नीलम या नीली, और शुभ दिन है साथियों मंगलवार, शनिवार और शुक्रवार। और आपके मैत्री राशि है, जो राशि कुंभ राशि के साथ मैच करती है वो है मेष, वृष, तुला, मकर और कुंभ। और शुभ रंग है साथियों नीला, बैंगनी और ब्लैक कलर। इसके साथ साथ ही वार्षिक राशि फल, यानी जो आपका जब जन्मदिन आता है तो अपना वर्षफल बनवा करके अपने अपने आचार्य से, अपने अपने पंडित जी से वर्षफल जरूर पूजवाएं, ताकि आपका साल भर ग्रह आपको पॉजिटिव प्रभाव देगा और नेगेटिव प्रभाव खत्म करेगा। तो कामना करता हूं साथियों कि आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य,
आपका धन, आपका यश, आपका मान, आपका सम्मान बढ़ता रहे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करते रहें। और 2023 आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो और आपकी मन से सोचित सारी कामनाएं पूरी हो। जय माता दी, हर हर महादेव।